नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में ओरल हेल्थ पर परिचर्चा का आयोजन किया गया। जेमी सेंटर फॉर डेंटल एजुकेशन एंड रिसर्च एम्स, इंडियन डेंटल एसोसिएशन CIMS, देश भर के विशेषज्ञ डॉक्टर्स और अन्य संबंधित इसमें शामिल हुए। विभिन्न सत्रों और चर्चाओं में डॉक्टर्स ने देश में बढ़ते डेंटल और मुख संबंधी रोगों पर चिंता जताते हुए उस पर पॉलिसी बनाने के साथ ही अन्य संबंधित विषयों पर अपनी बात कही। विशेषज्ञों ने कहा कि इस विषय को गंभीरता से लेने के साथ ही सभी संबंधित एजेंसियों को मिलकर काम करने की जरूरत है। साथ ही ओरल हेल्थ में कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में अधोसंरचना के विकास की भी आवश्यकता है। नीति आयोग, ICMR, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, इंडियन डेंटल एसोसिएशन, सब इन लोगों ने मिलकर कुछ ऐसे तरीके निकालने की कोशिश की जा रही है जिससे कि दांतों की बीमारियों के ऊपर रोकथाम की जा सके। तो मैं इस कार्यक्रम की सफलता के लिए बहुत आशावान हूँ और इससे जो चीज़ें निकलेंगी वो हमारे पॉलिसी मेकर को, गवर्नमेंट्स को, स्टेट्स को उसमें बहुत मदद मिलेगी। हम लोग जितने भी स्टेक होल्डर्स, डॉक्टर्स, एकेडमिशियंस, रिसर्चर्स और जो हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशंस, प्रिंसिपल डीन्स हैं और साथ साथ में पॉलिसी मेकर्स, तो उनके साथ हम लोगों ने थोड़ा सा सुबह वार्तालाप किया। उनकी गवर्नमेंट किस तरह से सोच रही है और हमारे लिए क्या डायरेक्शंस हैं कि डेंटल के जो रिसर्चर्स हैं और जो डेंटल फर्टिनिटी है वो कैसे काम करे, एक तो उन्होंने आके हमारा मार्गदर्शन किया।